अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर एसएसटी क्लास। ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 12। टॉपिक इज़ अफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस ऑन क्लाइमेट। फ्रॉम दिस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कि वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आबो हवा में तब्दीली पैदा हो रही है। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगलात की कटाई, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, एंड वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स या उनका धुआं वगैरह, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कि ये क्लाइमेट को चेंज करने के ज़िम्मेदार हैं, यानी आबो हवा में तब्दीली के बाइस बनते हैं। व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप इंफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं कि ये जो आबो हवा में तब्दीली आ रही है इसको रोका जाए। तो बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम आबो हवा में तब्दीली को रोक सकते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, कि आप बिजली का इस्तेमाल कम करें। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। यूज़ लेस डिटर्जेंट्स, के डिटर्जेंट्स यानी ये सर्फ और ये सोप वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं कि हम जो है वो लेस व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां वगैरह बहुत कम यूज़ करें, ताकि जो है वो पेट्रोल वगैरह से हमारी क्लाइमेट जो है वो चेंज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।